नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। आज की जो अपडेट है ओमेगा नेटवर्क की, वो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, जब आपने ओमेगा नेटवर्क में माइनिंग स्टार्ट की थी जिस दिन से, उस दिन आपने जब रजिस्टर किया था तो सीधा गूगल अकाउंट से लॉगिन किया था। उस टाइम आपको कुछ पासवर्ड यूज़र नेम नहीं मांगा था, सीधा आपने अपना गूगल अकाउंट सिलेक्ट करके, अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करके अपना अकाउंट क्रिएट हुआ था। बट आपको अभी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या फिर आपका जो कॉइन माइनिंग किए है आपने, वो आपको शायद ना मिले। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक की थी हमने और अपने को अभी कैसे उसको ठीक करना है। तो हम ऐप में चलते हैं। दोस्तों, अब हम ऐप में आ गए। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा भी इंटरफेस ओपन हुआ है। आपको बता दूँ हमको क्या गलती यहाँ पे ठीक करनी है। तो वो ये मिस्टेक हुई थी हमसे कि जब हमने ऐप में रजिस्टर किया था तब कौन सा भी हमको पासवर्ड मांगा नहीं था, हमने सीधा गूगल अकाउंट से लॉगिन कर दिया। हमको कोई यूज़र नेम, कोई पासवर्ड नहीं मांगा था, हमने ईमेल आईडी अपना सिलेक्ट करके अपना अकाउंट बना दिया और हम डेली माइनिंग कर रहे हैं उसमें। यहाँ तक सब ठीक है, बट आपको अभी क्या करना है, आपको अभी अपना पासवर्ड रिसेट करना है। मतलब रिसेट मतलब अपने को एक नया पासवर्ड बनाना है, क्योंकि हमने अभी पासवर्ड नहीं डाला था। जब आगे चल के यह इसमें केवाईसी आएगी या फिर विड्रॉ का कुछ आएगा तो अपने को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं होगा तब। क्योंकि केवाईसी में या फिर कुछ भी आगे अपडेट आती है तो पासवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, विड्रॉल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है पासवर्ड। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो दो ऑप्शन है इसमें पासवर्ड क्रिएट करने के। अभी मैंने किया हुआ है पासवर्ड, तो आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ अपने प्रोफाइल में जाना है यहाँ पे, और आपको अभी मेरा शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पासवर्ड रिसेट किया, बट आपको यही ये जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख रहा है उसके जस्ट नीचे या फिर वेरीफाई अकाउंट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट पासवर्ड का। तो आपको वहाँ क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट करना है। और दूसरा ऑप्शन किसी किसी फ़ोन में नहीं शो करता है, मेरे दो तीन फ्रेंड्स के फ़ोन में देखा, उनके फ़ोन में शो नहीं कर रहा था, बट किसके फ़ोन में करता है, किसी के फ़ोन में वर्क नहीं करता। तो जिसके फ़ोन में वर्क करता है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जिसके फ़ोन में वर्क नहीं करता मैं उसको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन आउट कर देना है। ओके, साइन आउट करने के बाद आपको, जैसे आप जानते हो, यहाँ पे हमने जब अकाउंट बनाया था सीधा या गूगल पे क्लिक करके हमारा ईमेल आईडी चूज़ करके हमने अकाउंट अपना बना दिया। बट हमको अभी क्या करना है, नया पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया था, अकाउंट बनाया था, वही ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो हम अभी यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं। ओके, ये ईमेल आईडी है और नीचे मेरा पासवर्ड फिल हुआ है, सेव है इसलिए, बट आपको डालना है तो डालो या फिर मत डालो, क्योंकि यहाँ पे अभी देख सकते हो रिसेट पासवर्ड आया होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिसेट पासवर्ड पे। ओके, अब हमारे ईमेल आईडी पे एक मेल आई होगी, हम उस पर देखते हैं जाके। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको एक ईमेल मिल गई है और यहाँ पे इनका ऑप्शन है रिसेट पासवर्ड, मतलब सब पूरा दिया है। यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है रिसेट पासवर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट करना है। बट ध्यान रखना कि
ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए अब जैसे ही वहाँ पे रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तुरंत यहाँ आके, या फिर जब आपको फ्री हो जाओगे तब आप यहाँ आके अपना पासवर्ड रिसेट कर देना। आप यहाँ पे क्लिक कर देना रिसेट पासवर्ड पे, हम यहाँ पे क्लिक कर देते। देखो एक ब्राउज़र पे लेके जा रहा है हमको ये, तो हमारा एक नया पेज ओपन हुआ। आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है आप यहाँ पे टाइप कर देना, वही पासवर्ड नीचे भी रिपीट टाइप कर देना और यहाँ पे रिसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और आगे जो भी परेशानी आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको KYC या फिर विड्रॉ करने के लिए, या फिर अगर आप किसी दूसरे फ़ोन में अकाउंट लॉगिन कर रहे हो, आपका फ़ोन गुम हो गया हो, दूसरे फ़ोन में आपने अकाउंट लॉगिन किया, वहाँ पे भी आपको पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ये काम ज़रूर से ज़रूर करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।